सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि IBPS का POMT का रिजल्ट जारी हो चुका है, तो आप उसको वेबसाइट पर जाके चेक कर लें। इसके अलावा इस सप्ताह में लगभग 70 से ऊपर रिजल्ट जारी हुए हैं, इनकी लिस्ट हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसे आप अगर आपने कोई परीक्षा दी है तो आप उसको देख सकें और अपने रिजल्ट को चेक कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर है IBPS POMT एग्जाम, सातवां जो एग्जाम था, सेवेंथ एग्जाम था, उसका रिजल्ट आज जारी हो चुका है। इसके अलावा IBPS ने जो कॉमन रिटर्न एग्जाम आयोजित किया था, RRB 6 जो था, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट फर्स्ट के लिए ग्रामीण बैंकों में, उसका रिजल्ट जारी हो चुका है कल। मध्यांचल ग्रामीण बैंक में RRB के थ्रू जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ था ऑफिस असिस्टेंट का, उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी हो चुकी है। सप्तगिरी ग्रामीण बैंक का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। असम ग्रामीण विकास बैंक का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। वहीं SSC की अगर हम बात करें तो SSC वेस्ट रीजन में लैब असिस्टेंट और जूनियर लाइब्रेरियन हॉस्टल वार्डन का रिजल्ट जारी हो चुका है। वहीं बात करें हम ESI की, तो ESIC में यानी कर्मचारी राज्य विज्ञान निगम मॉडल हॉस्पिटल चंडीगढ़ का पैरामेडिकल स्टाफ का नर्सिंग कैडर का रिजल्ट जारी हो चुका है 2015 का और 2012 का। इसके अलावा ESI मॉडल हॉस्पिटल एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज सेंटर नंद नगरी का भी पैरामेडिकल स्टाफ का और नर्सिंग कैडर का रिजल्ट जारी हो चुका है 2015 का। सेल की अगर हम बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जूनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग की जो वैकेंसी आई थी उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। NERLP में प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी आई थी, उनका रिजल्ट भी जारी हो चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीक्राफ्ट में नैरेटर असिस्टेंट की आर्टिस्ट की जो वैकेंसी आई थी, उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ PSC में सिविल जज एग्जाम 2017 का रिजल्ट जारी हो चुका है। गुजरात PSC में वेटनरी ऑफिसर 34/16/17 का रिजल्ट जारी हो चुका है। हिमाचल प्रदेश PSC में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है। कर्नाटका PTCL में असिस्टेंट इंजीनियर AAO और अदर पोस्ट जो आई थी उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। मेघालय PSC में असिस्टेंट लेक्चर एग्जाम हिस्ट्री और असिस्टेंट टीचर साइंस का रिजल्ट जारी हो चुका है। मिजोरम PSC में स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट जारी हो चुका है। वहीं पंजाब PSC में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का रिजल्ट जारी हो गया है। SSC में ही वेस्ट रीजन का स्टोर क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था WR1/2017 उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। गुजरात PSC में वेटनरी ऑफिसर 34 का रिजल्ट जारी हो चुका है। रूपनगर पंजाब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की यहाँ स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई थी उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। वहीं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड कलेक्टर झालावाड़ राजस्थान में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट जारी हो चुका है। तेलंगाना स्टेट PSC में AEN एग्जाम 31/2017 का रिजल्ट जारी हो चुका है। वहीं SSC नॉर्थ रीजन में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए का रिजल्ट जारी हो चुका है। THSTI में रिसर्च एसोसिएट की इंटरव्यू लिस्ट जारी हो चुकी है। NIANP में कंप्यूटर ऑपरेटर और लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट जारी हो चुका है। BCCL में ओवरसियर सिविल जूनियर ओवरमैन और मिनिस्टर सरदार का रिजल्ट जारी हो चुका है। IOCL असम बिहार वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट सीनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का रिजल्ट जारी हो चुका है। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 आगरा ने वैकेंसी निकाली थी, उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। SSCL में जूनियर टेक्निकल ऑफिसर सिविल और जूनियर माइनिंग ऑफिसर का रिजल्ट जारी हो चुका है। ESIC मॉडल हॉस्पिटल हरियाणा में स्टाफ नर्स NO अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी थी, उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। एम्स जोधपुर में नॉन एकेडमिक जूनियर रेजिडेंट का रिजल्ट जारी हो चुका है। NARI में टेक्निकल असिस्टेंट स्टाफ नर्स रिसर्च एसोसिएट और डाटा मैनेजर का रिजल्ट जारी हो चुका है। NEIGRI HMS में डेंटल ऑफिसर का रिजल्ट जारी हो चुका है। वहीं NESSC में JRF की इंटरव्यू लिस्ट जारी हो चुकी है। ONGC में जूनियर रोस्ट अबाउट की 2/2017 का रिजल्ट जारी हो चुका है। भावनी में टेक्निकल ऑफिसर श्री मैकेनिकल का रिजल्ट जारी हो चुका है। भारतीय संसद में जो वैकेंसी आई थी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कमेटी प्रोटोकॉल असिस्टेंट का रिजल्ट जारी हो चुका है। प्री एग्जाम का मेन एग्जाम इसका होने वाला है। अब TIFR में CAD जो है उसमें ड्राइंग टेस्ट और जारी हो चुकी है इंटरव्यू लिस्ट। THSTI फरीदाबाद में यंग इन्वेस्टिगेटर का रिजल्ट जारी हो चुका है। एम्स रायपुर में JRR DEO और जूनियर नर्स का रिजल्ट जारी हो चुका है। वहीं नवोदय विद्यालय समिति में ऑडिट असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर और अदर पोस्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है। BEL में डिप्टी इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट जारी हो चुका है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ रीजन और NER में कल्चरल कोटा की जो वैकेंसी थी उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। RRU अहमदाबाद में जूनियर इंजीनियर कैरियर एंड वैगन 2/2 जो पोस्ट थी उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। ECR में लॉ ऑफिसर ग्रेड बी का रिजल्ट जारी हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में स्काउट गाइड कोटा का जो वैकेंसी थी उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। RRU मुंबई में स्टेनोग्राफर इंग्लिश हिंदी का रिजल्ट जारी हो चुका है। आंध्र प्रदेश में पोस्टल सर्कल MTS की वैकेंसी थी उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। नेशनल हेल्थ मिशन आसाम में स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर और अकाउंट मैनेजर की जो वैकेंसी थी उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। गुवाहाटी हाईकोर्ट में अरुणाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज की इंटरव्यू लिस्ट जारी हो चुकी है। बिहार PSC में असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी का रिजल्ट जारी हो चुका है। बिहार टेट 2017 का रिजल्ट जारी हो चुका है। दिल्ली गेस्ट टीचर्स जो दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत नियुक्त होने थे उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। गोवा PSC में
मामलातदार असिस्टेंट डायरेक्टर केमिस्ट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का जारी हो चुका है। गुजरात पीएससी में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और डिप्टी सेक्शन ऑफिसर जिसको मामलातदार भी कहते हैं उनका जारी हो चुका है। हरियाणा पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर फिलोसफी दसवीं दिवस का जारी हो चुका है। हरियाणा एसएससी में फील्ड इंस्पेक्टर स्टोर और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल और क्लर्क का रिजल्ट जारी हो चुका है। हिमाचल प्रदेश एसएससी में डाटा एंट्री ऑपरेटर 32-3/2016 का रिजल्ट जारी हो चुका है। जम्मू कश्मीर पीएससी में लेक्चरर 10+2 के लिए वैकेंसी थी संस्कृत और पंजाबी डोगरी भाषा की, उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। कर्नाटका हाई कोर्ट में टाइपिस्ट असिस्टेंट कोर्ट सेक्रेटरी की वैकेंसी थी, उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। कैल्ट्रॉन में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 14/64/65/66 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी थी, उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। केरला पीएससी में ड्राइवर कम ऑफिसर अटेंडेंट की वैकेंसी थी, उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। मध्यप्रदेश व्यापम में सूबेदार और सब इंस्पेक्टर 2017 का रिजल्ट जारी हो चुका है। वही मध्यप्रदेश व्यापम में ही यानी मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड में ग्रुप 2 और सब ग्रुप 1 का रिजल्ट जारी हो चुका है। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन में कांस्टेबल एलडीसी सब इंस्पेक्टर और मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉय का रिजल्ट जारी हो चुका है। महाराष्ट्र पीएससी में टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी 2016 का रिजल्ट जारी हो चुका है। मेघालय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट डायरेक्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है। मिजोरम पीएससी में वार्डन का रिजल्ट जारी हो चुका है। नागालैंड पीएससी में एनसीएस एनपीएस एनएसएस और एलाइड सर्विसेज का रिजल्ट जारी हो चुका है। ओएमसी लिमिटेड में सीएसआर कंसल्टेंट का रिजल्ट जारी हो चुका है। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन बोर्ड में पर्सनल असिस्टेंट जिनको स्टेनोग्राफर भी कहते हैं उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। वेस्ट बंगाल में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में DEIC मैनेजर का रिजल्ट जारी हो चुका है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चाहें तो एडमिट कार्ड भी चेक कर सकते हैं और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट जीके के लिए, लेटेस्ट रिजल्ट, लेटेस्ट एडमिट कार्ड के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही आप हमारी वेबसाइट employments.com को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।